गुड आफ्टरनून क्लास। अब यहाँ पर देखो एक टॉपिक है आपका कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यानी कि जो भी कार्बनिक कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए भाई दो मेथड है ना, इसके लिए कितना मेथड है, दो मेथड है। एक तो उनका साधारण नाम बताना जो कि निरर्थक पद्धति है ना, एक तो होता है कॉमन सिस्टम, एक क्या है भैया कॉमन सिस्टम, और कॉमन सिस्टम का मतलब होता है साधारण पद्धति, इसको बोलते हैं साधारण, या इसको बोलते हैं निरर्थक, साधारण या जो है निरर्थक पद्धति इसको बोलते हैं, है ना। और दूसरा होता है आपका वर्तमान पद्धति, जो वर्तमान में चल रही है, दूसरा होता है वर्तमान पद्धति, वर्तमान पद्धति का मतलब जो वर्तमान में अप्लाई हो रही है, और उस पद्धति का नाम है IUPAC नेम, IUPAC नेम या IUPAC पद्धति। ये दो सिस्टम है कार्बनिक यौगिक का नाम बताने के लिए। ओके भैया इतना लिख लिए। अब क्या होता है साधारण या निरर्थक पद्धति की बात करें तो ये क्या होता है, इस पद्धति में कोई क्रमबद्धता नहीं होती सजातीय श्रेणी में, मतलब सजातीय श्रेणी के नाम में कोई क्रम वाइज ऐसा कुछ नहीं होता है, है ना। अब कार्बनिक यौगिक की अत्यधिक संख्या के कारण ये फेल हो गई, आप लिखेंगे विफल, विफल हो गई, विफल हो गई। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं अप्लाई किया जाता है, क्यों इस पद्धति को फेल हो गई, क्योंकि कार्बनिक यौगिक की संख्या अत्यधिक होने के कारण, है ना। क्यों विफल हुई, कार्बनिक, कार्बनिक लिखना, कार्बनिक यौगिक की संख्या, कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या होने के कारण, वही किताब से पढ़ाया गया ना। अच्छा आप तो थी नहीं, मैं उन लोग से पूछूं क्या बोलते, किताब का आगे पढ़ गया ना। कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या होने के कारण, अत्यधिक होने के कारण, आप ये रीजन लिखना, अत्यधिक होने के कारण। लेकिन कुछ छोटे छोटे हैं जिनका अभी भी है ना यही पद्धत अपनाया जाता है, इसी पद्धत पर नाम होता है, लेकिन लेकिन कुछ के लिए या कुछ नामों के लिए ये आज भी प्रचलित, कुछ नामों के लिए ये आज भी प्रचलित है। अब कैसे नामों के लिए, जैसे एसिटिक अम्ल जिसे सिरका कहते हैं, जिसे कहते हैं विनेगर कहते हैं, विनेगर का मतलब होता है सिरका, और सिरके का जो सूत्र होता है CH3 COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। आज भी ये काफी ज्यादा प्रचलित पद्धति है ना, सिरका हो गया एक एग्जांपल। और आपका इसी तरह से जो लाल चीटी में अम्ल पाया जाता है, लाल चीटी में है ना, अगला जो है लाल चींटी में, अब लाल चींटी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और उस फार्मिक अम्ल का जो साधारण नाम है वो साधारण नाम है भैया फार्मिक अम्ल ही है, और क्या मतलब लाल चींटी में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो फार्मिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH, क्या होता है HCOOH। अच्छा जितना अम्ल की बात होगी ना सब में COOH रहेगा, याद रखना जितना अम्ल वाला होगा सब में COOH रहेगा। लेकिन ये विफल हो गई है ना, मतलब जैसे इतने कार्बनिक संख्या इतनी ज्यादा मात्रा में है कि सबके लिए या सबके नाम के लिए हम साधारण पद्धति से याद करना पॉसिबल नहीं हो पाए, क्लियर है ना। जैसे मेथेन, मेथेन का साधारण नाम होता है मार्स गैस, नमस्ते। एथिलीन का होता है,
एथिलीन का होता है आपका, नमस्ते नमस्ते, कार्बेट वाला फॉर्म, ऐसे सबका अलग अलग होता है। तो ये तो हो गया विफल, ये पूरा समझ में आया, साधारण पद्धति विफल हो गई। क्यों विफल हुई? कार्बनिक संख्या की अत्यधिक होने के कारण, अधिकता होने के कारण। लेकिन आज भी ये प्रचलित है कुछ कार्बनिक रसायनों के लिए, जैसे सिरका का होता है एसिटिक अम्ल CH3C है, नमस्ते नमस्ते, चींटी में पाया जाने वाला अम्ल जो है फार्मिक अम्ल है HCOOH होता है। बताओ समझ में आया इतना? अब अगला आता है भैया IUPAC नेम सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि IUPAC होता क्या है, है ना, IUPAC होता क्या है, ठीक है। अब IUPAC इंटरनेशनल के लेवल पर है ना, IUPAC इंटरनेशनल के लेवल पर है। पहले ये समझते हैं इसमें है क्या यार, इसमें इस पद्धति में होता क्या है। चलो फुल फॉर्म तो वो तो देख ही लेंगे, वो अलग बात, पहले एक कॉमन सेंस आता है, देखते हैं होता क्या। तो देखो इस पद्धति में है ना सिंपल सा आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सिंपल सिंपल आपको ऐसे समझ लो चार रूल अप्लाई करना है बस, सिंपल है ना। मतलब किसी भी रासायनिक नाम IUPAC के नाम के बताने के लिए आपको चार चीज का नॉलेज होना चाहिए, और चार चीज में से पहला है पूर्व लग्न। पहला क्या है? पूर्व लग्न, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। पूर्व लग्न जिसे कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं, भैया क्लियर है। और पूर्व लग्न में आप लोग याद रखो, मैं बड़ा अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ, फसल में बरई अटका, बस यही याद रखो, है ना। एफ से हो जाएगा फ्लोरो, है ना, सीएल से हो जाएगा क्लोरो, जो पूर्व लग्न निकलेगा, पूर्व लग्न सबसे पहले लिखा जाएगा, और बीआर से हो जाएगा ब्रोमो, और आई से हो जाएगा आयोडो, और एटी से हो जाएगा एसिटो। बोलो भैया पहला क्लियर है, है ना। दूसरा होता है भैया आपका मूल शब्द, वर्ड रूट, है ना, नहीं पहले हिंदी लिखो, मूल शब्द यानी कि रूट वर्ड, रूट वर्ड। और रूट वर्ड में भैया वही कहानी है दोहरानी, C1 से एथ नहीं मैथ, C1 से मैथ, C2 से एथ, C3 से लोप, C4 से ब्यूट, C5 से पेन, C6 से हेक्स, C7 से एट, C9 से C7 से हेप्ट, C8 से ऑक्ट, C9 से नॉन, C10 से डेक। ये सबको याद है मूल सब, दो क्लियर। अच्छा तीसरा होता है आपका अनुलग्न। अब अनुलग्न में दो है, एक तो प्राथमिक अनुलग्न, और एक चीज और बताऊं भाई, अनुलग्न को बोलते हैं सफिक्स, याद रखना, अनुलग्न को क्या बोलते हैं सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और एक होता है द्वितीयक सफिक्स। आपको इसी पर मेहनत करना होगा, और मेहनत भी कुछ नहीं करना है, वो आपको पता है, वो आपको भैया पता है। बताऊं कैसे पता है, जैसे ध्यान से देखो, जो प्राइमरी अनुलग्न निकलेगा वो जनरली है आपके एन, बस काम खत्म। प्राइमरी जो अनुलग्न होता है वो क्या है, एन है, है ना। प्राइमरी अनुलग्न क्या है भैया, एन है। ये एक बंद के लिए, द्विबंद के लिए प्राइमरी अनुलग्न ईन है, क्योंकि एल्कीन, और त्रिबंद के लिए क्या है, आइन है, बस याद हो गया। प्राइमरी अनुलग्न की बात करें सफिक्स, एक बंद के लिए एन है, द्विबंध के लिए इन है, और त्रिबंध के लिए आइन। अब आता है भैया द्वितीयक अनुलग्न, तो द्वितीयक अनुलग्न कुछ करना नहीं, ये क्रियात्मक समूह से निकलता है, बस काम खत्म हो गया। IUPAC ने द्वितीयक अनुलग्न कहां से निकलता है, क्रियात्मक समूह से निकलता है। द्वितीयक अनुलग्न कहां से निकलता है, अभी एग्जांपल बताएं क्लियर होगा। द्वितीयक अनुलग्न कहां से निकलता है, क्रियात्मक समूह से निकलता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब ये RCOOH, इसमें क्या कोई पूर्व लग्न है ही नहीं, नहीं है,
ये है। अच्छा आर कमान आप कुछ भी रख सकते हो, आर कमान मैं यहाँ से उठा कर रख देता हूँ, ये कहाँ गए, ये सी एच, या अच्छा ये लेता हूँ सी एच थ्री, क्या सी एच थ्री सी डबल ओ एच, क्या इसमें आईयूपीएसी नाम बताना है, आप बताओ क्या इसमें कुछ है प्राइमरी और पूर्व लग्न में कुछ है, हाइड्रोजन तत्व में से कुछ नहीं है ना, इसका काम होता मूल शब्द में क्या मिला C1 C2 से क्या बनेगा एथ, C2 से क्या बनेगा एथ, तो ये हो गया एथ, नहीं नहीं ये भी है C2 है, ध्यान देना ये गलती नहीं करनी, देखो आईयूपीएसी यही चार अप्लाई करो खत्म, देखो पूर्व लग्न है पूर्व लग्न, अरे बोलो यार कहीं इसमें है नहीं है तो काम खत्म, इसका मूल शब्द एक दो तो C2 से बना एथ, प्राइमरी में क्या लगेगा एन इन या तो एल्किन, तो ये जो बना एथ बना ये एक्चुअली आर, आर का मतलब CnH2n+1, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ से एन निकलेगा मैंने बताया था, तो यानी कि प्राइमरी अनुलग्न में क्या लगाए एन, वैसे ज्यादातर एन लगेगा, इन और आइन बताएंगे स्पेशल केस में लगता है, बाकी एन से ही काम चलेगा, तो ये हो गया एन, लो भैया प्राइमरी लग गया। अब द्वितीयक में अम्ल का होता है ओइक अम्ल, अब आपको याद रखना होगा सी डबल ओ एच का है ना, जो पूर्व लग्न निकलता है, अगर पूर्व लग्न की बात करें तो कार्बोक्सी निकलता है ना, अनुलग्न की बात करें तो क्या निकलता है भैया ओइक अम्ल, तो यहां पर हो जाएगा एथेन और सी डबल ओ एच से क्या मिला ओइक, तो बन गया एथेनोइक अम्ल, बस ये आईयूपीएसी नाम है, इसका साधारण नाम क्या है, साधारण नाम आपको क्या एस्टिकम, आईयूपीएसी नाम एथेनोइक, समझ में आया, एक और देख बस एक देख लो जल्दी CS C2H5OH, ध्यान से समझ, क्या कहीं प्राथमिक पूर्व लग्न है, नहीं है पूर्व लग्न है नहीं है, अच्छा मूल शब्द है C2, C2 से क्या बनेगा एथ, C2 से क्या बनेगा क्या लगेगा एन, मैंने क्या बताया जनरली एन लगता है, तो ये हो गया एथेन, और यहाँ OH एल्कोहल, तो एल्कोहल का जो प्राइमरी अनुलग्न है ये तो हमने एन कर दिया, द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह से आएगा, तो क्रियात्मक समूह कौन है इसमें OH है ना, तो OH ये तो पहले मैंने लिस्ट बनवा दिया है, OH का क्या निकलता है ऑल, OH का क्या निकलता है और, तो इसका नाम क्या हो गया एथेनॉल, बस ये आईयूपीएसी ने, वैसे एथिल अल्कोहल लेकिन आईयूपीएसी ने एथेनॉल, समझ में आया, यही स्टेप आपको फॉलो करना है, क्लियर, हाँ नंबरिंग अभी बताना है, लेकिन अभी ये बताओ जनरली आपको समझ में आया कैसे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे भैया, बोलो इतना कोई दिक्कत, ये हो गया आपका, हाँ अभी आपको पूर्व लग्न वाला एग्जांपल सब दिखाएंगे तो पूरा क्लियर होता है, कुल मिलाकर साधारण नाम क्या है आईयूपीएसी नाम में चार, लेकिन भाई आईयूपीएसी नाम पर कमांड बनाने के लिए आपको मूल शब्द पता होना चाहिए, आपको पता है मैंने याद करवा दिया पूर्व लग्न, मैंने अभी याद करवा दिया, और कुछ क्रियात्मक समूह से जो पूर्व लग्न निकलते हैं वो आपको याद करना होगा, मैं कॉलम तालिका दे दूंगा आपके पास भेज दूंगा, आपको लिख लेना है ना, फिर इधर प्राथमिक अनुलग्न मैंने बता दिया एन इन और आइन, जनरली एन आता है क्योंकि जहां जहां एल्किल ग्रुप रहेगा वहां एन आएगा, एल्किल का मतलब CnH2n+1, ये कल मैंने बताया था एल्किल ग्रुप, याद है सारी क्लासेस कनेक्टेड होती है, आप समझ लेना एक दिन का है आप मान कर लिख लेना ओके। अच्छा द्वितीयक अनुलग्न कहां से निकलता है क्रियात्मक समूह, तो पहले नंबर तो आपको क्रियात्मक समूह पता होना चाहिए, मैंने बताया था क्रियात्मक समूह वो होता है जो कि उस कार्बनिक यौगिक के नाम के निर्धारण में सहायक होते हैं, और उसी से उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण का निर्धारण भी होता है, तो ये पूरा कॉलम जैसे आप देखो पेज नंबर 81 ओपन करो, यहाँ पर देखो दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूर्व लग्न है कार्बोक्सी, अनुलग्न है क्या है ओइक अम्ल है ना, फिर यहाँ देखो एस्टर का ओएट है, और जहां जहां आर लिखा रहेगा ना आर का मतलब पता है क्या होता है, आर का मतलब होता है ये CnH2n+1, ये आर एल्किल ग्रुप है,
है ना, और जहाँ कहीं एक्स लिखा हो, एक्स का मतलब हैलोजन ग्रुप, याद रखना, अगर कहीं एक्स लिखा है तो एक्स का मतलब वहाँ पर ये फसल में भरी अटका, फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, एस्टेटो हो सकता है, ये चीज़ रहेगा बस, कहीं अगर एक्स लिखा, क्लियर है, इसे आप लोग उतार लीजिए बस आज की क्लास में, समझ में आया, क्लियर है।